स्वागत है, मैं हूं कपिल मिश्रा। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत राजधानी भोपाल से। कांग्रेस को लगा एक और झटका। कांग्रेस प्रवक्ता अजय यादव ने थामा भाजपा का धामन। वरिष्ठ पत्रकार वनिता श्रीवास्तव भी बीजेपी में शामिल। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने दिलाई सदस्यता। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी। कांग्रेस के नाराज नेताओं पर खास फोकस। बीजेपी का ज्वाइनिंग अभियान। अरुणा मिश्रा ज्वाइनिंग टोली के प्रमुख। 28 फरवरी तक चलेगी बीजेपी का यह अभियान। बीजेपी छोड़ने वालों की होगी घर वापसी। आप देख सकते हैं लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर जो है जोर तोड़ की राजनीति जारी है और इस समय कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस प्रवक्ता अजय यादव जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तस्वीरें देखिए, ये कांग्रेस से मुखर होकर, पहले प्रवक्ता थे लेकिन कांग्रेस से मुखर होकर उन्होंने टीकमगढ़ जिले से जो है विधानसभा का निर्दलीय चुनाव लड़ा था। कांग्रेस से टिकट मांगा था लेकिन टिकट नहीं मिला था, तो निर्दलीय चुनाव लड़ा था और अब ये बीजेपी में शामिल हो गए हैं अजय यादव। और ये वरिष्ठ पत्रकार आप देख सकते हैं विनीता, जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की उपस्थिति में इन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। तो अजय यादव और विनीता ने बीजेपी को थाम लिया है। कांग्रेस को एक और झटका लगा है। अजय यादव कांग्रेस के प्रवक्ता हुआ करते थे, टीकमगढ़ से ताल्लुक रखते हैं और टीकमगढ़ की एक विधानसभा सीट से ये टिकट की लगातार लंबे समय से मांग कर रहे थे कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस ने इनको टिकट नहीं दिया। लिहाजा ये कांग्रेस से मुखर होकर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे और अब खबर ये उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो आपको बता दें पंकज चतुर्वेदी जो पहले कांग्रेस प्रवक्ता हुआ करते थे, नरेंद्र सलूजा जो पहले कांग्रेस प्रवक्ता हुआ करते थे, वो दोनों पहले ही बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और अब कांग्रेस प्रवक्ता अजय यादव ने भी बीजेपी को ज्वाइन किया है। देख सकते हैं राजधानी भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस प्रवक्ता अजय यादव ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस को बाय बाय कह दिया उन्होंने और साथ ही विनीता श्रीवास्तव जो कि पत्रकार है उन्होंने भी बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने इनको बीजेपी का गमछा उड़ाकर बीजेपी में प्रवेश कराया है। तस्वीरें देख सकते हैं, तो ये वही अजय यादव हैं जो एक समय में कांग्रेस प्रवक्ता हुआ करते थे और टीकमगढ़ जिले की और इसी खबर पर हमारे साथ भाजपा नेता डॉक्टर अजय यादव खुद फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ। अजय यादव जी क्या कहेंगे, देर हुई या दुरुस्त हुई बीजेपी ज्वाइन कर ली है, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए सही निर्णय में देरी नहीं मानी जाती है, जब लिया तभी निर्णय सही माना जाता है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि आज जिस तरह की रीति नीति कांग्रेस पार्टी की है वो देश विरोधी है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की नीति देश के हित में है, इसलिए इन्हीं नीतियों से प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। कांग्रेस पार्टी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करती है, देश प्रदेश में पिछड़े वर्गों दलित आदिवासियों को धोखा देती है, इसलिए ऐसी पार्टी में रहकर हम देश और समाज की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आज भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर और समाज के हित में देश के हित में पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया है। लेकिन अजय जी एक बात समझ में नहीं आई है, आपके पंकज चतुर्वेदी जी नरेंद्र सलूजा जी पहले ही बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं लेकिन आपको इतना लेट लाते भी क्यों लगा? क्या ये खुन्नस ये मानी जाए कि आपको टिकट नहीं दिया था, आप टीकमगढ़ जिले की एक विधानसभा से टिकट चाह रहे थे, कांग्रेस से टिकट नहीं दिया, आप निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे, हालांकि हार का सामना करना पड़ा, तो ये टिकट की बौखलाहट है टिकट ना मिलने की या फिर बीजेपी ज्वाइन करने से पहले क्यों इतना देर क्यों लगा दिया आपने? देखिए टिकट की बौखलाहट का सवाल नहीं है, मेरे परिवार ने 70 सालों तक कांग्रेस पार्टी की सेवा करी, मेरे दादाजी विधायक भी रहे, अन्य पदों पर भी रहे और मैंने भी पिछले 20 सालों से पार्टी की सेवा करी, लेकिन आज मैंने ये महसूस किया कि कांग्रेस पार्टी देश और समाज के विरोध में काम कर रही है, जन भावनाओं के खिलाफ काम कर रही है, इसलिए मैंने 15 अक्टूबर को पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया था और आज मैं अपने निर्णय को सही महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मैंने केवल और केवल समाज सेवा के अपने पथ पर आगे बढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी को चुना है। सर एक लाइन में जवाब चाहूंगा, अगर बीजेपी ने अगले आगामी विधानसभा चुनाव में आपको प्रत्याशी नहीं बनाया तो क्या बीजेपी को भी छोड़ देंगे कांग्रेस की तरह? देखिए मैंने आपसे कहा ये पद के स्वार्थ की बात नहीं है, समाज के देश के खिलाफ कांग्रेस पार्टी काम कर रही है और राजनीति में रहने का वही उद्देश्य है, मुझे भले ही कोई पद ना मिले मैं निस्वार्थ भाव से भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से सेवा करूंगा। चलिए आजा जी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं नई पारी के लिए आपको।
तो ये था हमारे साथ अजय यादव, जो कि पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी नेता के तौर पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे और उन्होंने कहा कि पद की लालसा नहीं है, बीजेपी जो है उसकी रीति नीति से वो इंप्रेस है, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव आज बीजेपी का दामन थामा, उन्हीं से बात करेंगे। सर क्या कारण रहे आज बीजेपी शामिल? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की रीति नीति अब देश विरोधी हो चली है और कांग्रेस पार्टी द्वारा भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा जैसे आयोजन का विरोध किया गया, साथ ही मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्गों को धोखा कांग्रेस द्वारा दिया गया, इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर 3 महीने पहले इस्तीफा दिया था और आज भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। भारतीय जनता पार्टी देश को आगे ले जा सकती है। क्या भूमिका रहने वाली बीजेपी? देखिए, पार्टी में मैं एक कार्यकर्ता के तौर पर ज्वाइनिंग की है, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो कार्य करूंगा। बीजेपी की रीति और नीति को लेकर जो है आज बीजेपी का दामन इन्होंने थामा है। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने आज बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। कैमरामैन विपिन के साथ सनी मालवीय, INS न्यूज भोपाल। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सनी मालवीय जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सनी, बात किया है तो आज बीजेपी कार्यालय में कांग्रेस प्रवक्ता पूर्व में रहे अजय यादव ने बीजेपी को ज्वाइन किया है, क्या कुछ माहौल नजर आया, क्या कुछ इन्होंने शर्तों पर ज्वाइन की है बीजेपी या एक आम नेता के तौर पर रीति नीति से प्रभावित होकर बीजेपी ज्वाइन की है? सनी जी, निश्चित तौर पर कपिल, लोकसभा चुनाव से पहले अब एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव ने आज बीजेपी की सदस्यता ली है। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने उनको बीजेपी का जो सदस्यता उन्होंने दिलाई है और उन्होंने साफ तौर से किया है कि जिस तरह से मोदी जी की जो नीतियां हैं उसको प्रभावित होकर आज उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन की है। उन्होंने साफ तौर से ये भी कहा है कि कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग के लिए कोई काम नहीं किया था, आंखों में आंख जो लिए, कांग्रेस के साथ देश भविष्य रही है, इसको लेकर मैं इनके खिलाफ और जिस तरह से राम मंदिर को लेकर जो नोटा उन्होंने ठुकराया था, इन सभी को लेकर अब इन बातों को लेकर आज मैंने बीजेपी की सदस्यता ली है। और साफ तौर से लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की एक बड़ी तैयारी है। कांग्रेस की नाराज नेताओं पर अब जो बीजेपी की बड़ा फोकस है, खास फोकस उन्होंने रखा है, अब बीजेपी का ज्वाइनिंग अभियान चलाएगी जिसमें नरोत्तम मिश्रा ज्वाइनिंग टोली के प्रमुख नेता होंगे, जिसमें 28 फरवरी तक बीजेपी का अभियान चलेगा जिसमें बीजेपी की छोड़ने वालों पर घर वापसी भी होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो वरिष्ठ पत्रकार हैं विनीता श्रीवास्तव, उन्होंने भी बीजेपी का दामन थामा है। कुल माना जाए कि जिस प्रकार से कांग्रेस में जो नाराज नेता है उनके नाराज नेताओं को लेकर अब बीजेपी उनको साधने की कोशिश करेगी और लोकसभा चुनाव को लेकर कई बड़े जो नेता हैं कांग्रेस के वो शामिल हो सकते हैं। ऐसी सूत्रों के मुताबिक जो खबर निकल कर आ रही है, मुरैना की जो मापर है वो भी अब जो है बीजेपी के सदस्य ले सकती है। बिल्कुल सनी, अब देखना होगा कि अब 28 फरवरी तक कौन कौन से रूठे मनाए और कांग्रेस के नेता या अन्य पार्टियों के नेता बीजेपी को ज्वाइन करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।